ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैम. थैंक यू सो मच. आसान यार ट्रेलर जब से आउट हुआ है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. 1:39 का जो ये ट्रेलर रहा है और इतने सारे लुक रहे हैं आपका रोल देखने को मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को? लुक सेंटर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जैसे कि आपने कहा है बहुत सारे लुक्स है एंड जैसे ट्रेलर तो एक्चुअली पिक्चर अभी बाकी है. ट्रेलर कुछ नहीं है, उसमें से कुछ झलके ही हैं जो आपको फाइनल देखने मिलेगा. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी लोगों को कैसा लगेगा. इट्स अ पल्प फिक्शन जॉनर. पल्प फिक्शन हॉलीवुड में कहते हैं पल्प फिक्शन, बट यहाँ पे आई थिंक हम लोग सदियों से बना रहे हैं मसाला फिल्म्स जो कहते हैं. ये वो है, लाइक एकदम मसाला है. बहुत सारा पागलपन, बहुत सारी मस्ती है. एंड रीटा सान्याल एक लॉयर है बट वो एक डिटेक्टिव भी है और ये गेटअप्स में जाती है. तो अगर आपको मस्ती वाला शो देखना है, अगर आपको कुछ मज़ेदार देखना है, अगर आप हमारे साथ आपको मस्ती करनी है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी रीटा सान्याल. बात करें आपके साथ आपके कोस्टार भी हैं, कैसी रही केमिस्ट्री उनके साथ में राहुल सर के साथ? बहुत अच्छा है. मैं बहुत अच्छी हूँ तो लोग मेरे साथ भी अच्छा है, बट आई गॉट लक्ड आउट कि इतने सारे अमेजिंग एक्टर्स मिले. मानिक और अंकुर जो मेरे कोस्टार्स हैं, आई थिंक हम तीनों की जो ट्रायंगल की केमिस्ट्री आपको देखने मिलेगी वो बहुत मज़ेदार है. राहुल देव सर के साथ जो सीरियस कोर्ट वाले सीन्स हैं उसमें भी आई थिंक सबको बहुत मज़े आने वाले हैं. बट ये शो एक और अलग चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि रोज़ एक ही एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं बिकॉज एंड मंडे टू फ्राइडे लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे है. आप मेडिटेशन करो, योगा करो और चिल करो. नो लुकिंग एट योर फोन ऑन दोज टू डेज. या आप पूरा देख सकते हो ऑन सैटरडे संडे. बट आई थिंक हमारे लाइफ में वी ऑल बिंज वॉच एंड हम लोग को फास्ट सब कुछ चाहिए, एक साथ चाहिए. तो हॉटस्टार ने डिसाइड किया है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने डिसाइड किया है कि वो एक एक एपिसोड ही देंगे आपको रोज़. तो वो आधा घंटा आप देख लो और फिर अपना फ़ोन दूर रखो एंड इट्स फ्री ऑन योर फोन ऑल्सो. मैं आपसे जानना चाहूँगी ओटीटी की बात करें तो हर दिन हर एक वेब सीरीज रन कर रही है, रिलीज हो रही है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी रीता सान्याल में क्या खास है जो ऑडियंस को कनेक्ट करे? आई थिंक नहीं, आई एम कम्फर्टेबल लुकिंग हियर, डोंट वरी. आई थिंक जो यूजुअली बहुत ही सीरियस कॉन्टेंट देखने मिलता है जो बहुत अच्छा है, या तो आप फनी कॉमेडी देखते हैं. आई थिंक बहुत रेयर है कि एक शो में क्राइम थ्रिलर में आपको कॉमेडी एक्शन रोमांस ड्रामा भी मिल रहा है सब एक साथ एंड इतने सारे कैरेक्टर्स जो एक लड़की कर रही है. ऑल्सो नाउ क्योंकि नवरात्रि का टाइम है एंड वी आर रिलीजिंग इट, आई वुड हैव टू से कि रीटा जो है जैसे हर लड़की में आई बिलीव कि एक दुर्गा है और एक शक्ति है एंड व्हेन शी इज़ पुश्ड वो क्या क्या कर सकती है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो. तो आई थिंक हर लड़की डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगी रीटा के साथ एंड जब ये शो देखेंगे तो लाइक रीटा एक्शन भी करती है, क्या कुछ नहीं करती है. तो बहुत ही एस्पिरेशनल कैरेक्टर है. यस हाय, आई रियली एंजॉयड इट, आई लिव फॉर दिस एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो ड्रीम होता है. कैसे रोल्स मिलते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है कि आपको ऐसे रोल कैसे मिलता है. जब लोग मुझे पूछते हैं कैसे मिला आपको ऐसे रोल, आई हैव नो जवाब बिकॉज आई डोंट नो, यू नो लक से, ये तो लक से आ गया. बट जैसे इसमें इतने सारे शेड्स, इतने सारे जी कैरेक्टर्स लाइक अ चैमलियन यू आर प्लेइंग, यस, तो उसके लिए हर एक के लिए डिड यू अप्लाई मेथड एक्टिंग और यू वॉच सम रियल लाइफ कैरेक्टर्स या कुछ रिमेंबर? आई थिंक एवरी एक्टर मेथड है, सबका मेथड होता है. अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग मेथड्स आप यूज़ करते हैं, अलग किरदार के लिए अलग एक्टर्स अलग ये यूज़ करते हैं. बट या मैं रात को सोती नहीं थी बिकॉज आई न्यू कि हरियाणवी है नेक्स्ट डे एंड मैं वो पूरा वॉइस नोट्स पढ़ती थी. मैं घर के यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे घूमती थी एंड माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक कि क्या कर रहे हो आप, यू नो व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आई एम शाउटिंग हरियाणवी लाइन्स इन द मिडल ऑफ द नाइट फ्रॉम माई रूम, यू कैन हियर लाउड आवाज़ें. मैं जब भी खा रही हूँ तो मैं ऐसे 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 बात करके ऐसे खा रही हूँ ताकि मैं वो प्रैक्टिस करूँ बिकॉज आई नो कि कल वो शूट है. मैं अपना मराठी प्रैक्टिस कर रही हूँ फास्ट ताकि टंग ईजिली रोल हो एंड करेक्टली प्रोनाउंसिएशन हो. तो मेहनत बहुत था बट आई थिंक वो मेहनत बेस्ट होता है जब आप देख रहे हो एंड आपको लगे नहीं कि मेहनत है. सो आई होप पीपल फील कि हाँ ये तो कैसे हुआ पता ही नहीं चला, देन इट्स द बेस्ट. सो आई होप वो हो जाए. काफ़ी चीज़ें इजी पर गई रीता सान्याल जब आप परफॉर्म कर रहे थे या फिर इसके जब शूटिंग चल रहे थे तो
नहीं, आई फील हर फिल्म में एक्शन या जो भी है वो किरदार के हिसाब से. बस्तर बहुत रियलिस्टिक फिल्म था. इट वाज अबाउट बस्तर, वो रीजन, वो और था वहाँ पे. मैं एक महिला, ऑलमोस्ट लाइक वो मैस्कुलिन महिला ऑफिसर बनी हूँ और आई एम लीडिंग वॉर, एंड वो बहुत सीरियस था. ये बहुत ही फन लाइट जॉनरा है. इसका एक्शन भी अलग है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है. या हम लोग ने लाइक एक में वो हरियाणवी रिपोर्टर ने अपना बैग यूज़ करके एक्शन किया है. एक में काफ़ी अलग चीज़ें, वो डंडा लकड़ी सब है. इट कुड बी क्लोज टू कमांडोज एक्शन में भी, क्लोज टू इन दैट, बिकॉज कमांडो भी वो लार्जर देन लाइफ स्पेस था. आप शो देखो एंड आप मुझे बताओ जो ऑडियंस का फेवरेट होगा वो मेरा फेवरेट होगा, बिकॉज एन आई फील कि उससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाई लोगों से. पर लोग रुके हैं कि मैं मराठी बोलूँ कोई प्रोजेक्ट में. मैं जब इंस्टाग्राम पे वो एक होती इडली या वो शेयर करती हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं. आई थिंक मेरे मराठी ऑडियंस के लिए उनको वो मच्छी वाली का कैरेक्टर बहुत पसंद आने वाला है. सो दैट्स वन फेवरेट. कि आई नो वो तो हिट होगा बिकॉज लोग रुके हैं कि मैं वैसे करूँ. सो एक रैप है जो वो कैरेक्टर बोलती नहीं है, बट इज अ मराठी रैप ऑफ द शो विच इज कोटात मारती एंट्री दिया है युद्ध तील राणी रीटाचा जादूची कातिल निशाणी कायदाचा असुड रीटा वाघीण ढाणी जेवा भिडते रीटा दोषित काढतात पाणी. सो दॅट्स द रॅप फॉर द मराठी मच्छीवाली. अँड शी सेज माझं मरण मच्छी पकडणे को गया आणि परत वापस आया ही नाही. सो इट्स लाईक हिंदी विथ दॅट मराठी ॲक्सेंट. Strength is from Durga Mata, who I've always got my strength from. My mother in real life also, who I watch and I get my strength from. For each character, I have modeled it around somebody. मैं real life में लोगों को देखती हूँ. अभी आपको देख रही हूँ, आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, वो record हो रहा है मेरे जहन में. इनका मैं देख रही हूँ, इनकी body language देख रही हूँ, इनका smile देख रही हूँ. मैं copy करूँगी और कोई characters में मैं डालती हूँ. मैं बहुत observant हूँ real life में. मैं सबको देखती हूँ और सबके यहाँ से copy करती हूँ. तो ये सब characters एक एक को मैंने एक एक जन से copy किया है, या तो आवाज़ या बॉडी लैंग्वेज या सब कुछ. पर हाँ, आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु आई सी. तो हाँ, बहुत सी कॉपीज हैं. लास्टली अगर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि 9 अक्टूबर रात के टाइम पे जब किसी का एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला, रतन टाटा सर के बारे जी. आई थिंक रतन टाटा जी एक असली देशभक्त हैं, उन्हें कह सकते हैं. बिकॉज जो उन्होंने किया फॉर पीपल ऑफ आर कंट्री, चाहे वो ओल्ड एज होम्स हो या उनके फिलैंथ्रफी वर्क्स या एनिमल्स के लिए, उन्होंने क्या क्या किया. उन्होंने शेल्टर्स बनाए. जब बारिश होता है ना तो ही इज़ मेड अ शेल्टर जहाँ पे वो आके रेस्ट कर सकते हैं अंदर एनिमल्स. एंड दीज आर जस्ट फ्यू थिंग्स दैट आई एम सेइंग. व्हाटएवर प्रोडक्ट्स वी यूज़, कोई भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, by somehow it's connected to him in some way. I had also read, my dad had told me this long back actually, 65% of his earnings charity ko jata hai. And I thought that is so wow. Isliye wo billionaires list mein nahi aa paaye. But he couldn't get on that list because of that. And there was a story about King Charles ne unhe invite kiya tha. I'm sorry if I'm quoting dates or whatever wrong, but King Charles ने उन्हें invite किया था to give him an award. And last minute में उनको cancel करना पड़ा because he said his dogs were unwell and he didn't know if it was. And then King Charles, and they also said that is a real man. That really shows, I mean, that shows why he is हकदार of the award. तो I think हमारी young generation के लिए कितना inspiring है to see someone at that level who can wear such simple clothes after having so much, who can give so much away. And I think आपका wealth तब दिखता है जब आप दे सकते हो. Means आप कितना दे सकते हो लोगों को, उससे आपकी अमीरी पता चलती है. वैसे I'd like to believe, and I think his beautiful legacy will always remain, and we should all, I am very inspired. अच्छा, रीता सानिया ने क्या क्या characters इसमें कर रही हैं? जी, छोटी-छोटी झलक दे सकती हैं कुछ? जी, ये security guard है. ये एक वेट्रेस का कैरेक्टर है. ये मच्छी वाली भाई आए.
ये प्रीति सबरवाल हरियाणा से. This girl is a prostitute over here with the blonde hair. And this is the food inspector, and I think we should stop the interviews now because they are all telling from back that time is over. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you.